जैन साथियों, हम यहाँ करेरा आईटीबीपी सेंटर पर खड़े हैं और भैया नाम क्या है आपका? देवेंद्र कुमार तिवारी। भैया सिंगरौली से हैं और भैया ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो भैया आपको इन्होंने बुलाया या पहले टाइम दिया था? 10 तारीख को मेरा फिजिकल था, 16 तारीख तक समय दिया था कि फाइनेंशियल ईयर में 22-23 जो है वो मेंशन होना चाहिए, मेरे में सिर्फ 2023 लिखा है। अच्छा, इसको एक बार दिखाओ। देखो जो यहाँ इन्होंने गोल कर रखा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ 2023 अकेला है, लेकिन यहाँ इन्हें 22 और 23 चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट चले गए थे, तो उन्होंने इनसे बोला है कि वो डॉक्यूमेंट उधर से रिटर्न होके आ गए। जैसे 23 सितंबर तक के डॉक्यूमेंट यहाँ से रिटर्न आए हैं, जिसमें सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर लिखा है, जबकि फाइनेंशियल ईयर दो ईयर के बीच में गैप डालकर लिखा जाता है, जैसे 22 और 23 लिखा गया है। तो यहाँ पर हमको ये 20 तारीख तक के लिए समय फिर से दिए हैं कि आप अगर इसको सुधरवा सकें, और अगर ऑनलाइन नहीं भी सुधर पाता है तो यहाँ पर मैनुअल सुधरवा कर यहीं पर अगर सील मुहर लगवा देंगे किसी भी ऑफिसर का जो ईडब्ल्यूएस इशू कर सके, तो वो मान्य होगा यहाँ पर। अच्छा, तो आपसे ये भी बोला है कि आप यहाँ ना आ पाओ तो मोबाइल में भी आप दिखा सकते हैं, ओरिजिनल मोबाइल में दिखाएं और फोटोकॉपी यहाँ पर जमा करवाएं उसका। तो अभी आपको 20 दिन का टाइम दिया है, 20 तारीख तक का समय। अच्छा, आपका फिजिकल कब था? 10 तारीख को फिजिकल, 10 का था फिजिकल। तो यानी आपके साथ वाले कुछ बच्चों के और वापस आए होंगे वो? तो हाँ, कुछ एक लड़का गया था, अभी मेरे साथ का ही था, 10 तारीख को उसका फिजिकल था, वो ऐसा करके ले आया तो उसका वहाँ पर मान्य हो गया। अच्छा, वो उसका मान्य हो गया, यानी अभी जो कुछ बच्चों तो फोन कर रहे होंगे, ये लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो गया था क्योंकि उसको 10 तारीख को फिजिकल था, 16 तक उसको समय मिला था, वहाँ से जाकर उसे धरवा कर ले आया। ठीक है भैया, तो बाकी और आप लोग बताते नहीं हैं। अब देखो, यही अगर पहले किसी ने बता दिया होता तो ये भैया को भी परेशान नहीं होना पड़ता। आप लोग रिव्यू देंगे तो उससे आने वाले आपके जो भी साथी हैं उन्हें आसानी होगी जी, है ना भाई जी? और क्या कहना चाह रहे हो? और यही कहना चाहेंगे कि आने वाले जो भी हैं, सर का वीडियो देखते रहें, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जैसा जैसा बताते हैं, पहले तो रिव्यू बाहर निकले तो सब कुछ सही सही बता सकें, ताकि सर वीडियो के माध्यम से बाकी लोगों को दिखाएं, और बाकी उनके वीडियो में जो भी डॉक्यूमेंट जैसा वैलिड डॉक्यूमेंट बता रहे हैं उस प्रकार से ले आएँ। अगर फिर भी अगर कोई कमी पाई जाती है तो समय दे रहे हैं, उसकी दिक्कत नहीं लेनी। जैसे आपने मेडिकल में आई चार्ट हमने डाल रखा था, आपने आई चार्ट देखा होगा, आई चार्ट वही था या कुछ चेंज था? अभी क्या है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद फिर से मेडिकल होगा। अच्छा, अभी मेडिकल हुआ नहीं होगा। चलिए, तो चलिए भैया से फिर मिलते हैं, भैया को अभी जाना है क्योंकि 20 तारीख को आना भी है। जय हिंद, जय भारत।